ट्विंस कैरी कर रहे हो, इसलिए जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानी जाएगी। इसीलिए आने वाले 3 महीने खाना न खा पाना, वॉमिट होना, नौसिया होना, स्मेल से प्रॉब्लम होना, बोन्स में दर्द होना, यहाँ पे पेन हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है आपको। पेन पास से दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें क्लियरली पिक दिख। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल्स। और मेरे दोनों ही ट्विंस बहुत अच्छे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। पर दूसरी कहाँ है, क्योंकि अब ये हो गए 10.5 महीने के, तो इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो अलग ही भाग रही। इसको मैं पकड़ के लाई हूँ आप लोगों से मिलवाने, है ना बच्चा। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो आप लोगों ने ही कहा कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताइए ट्विंस की वीक बाय वीक, तो शायद वो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए आपके एक्सपीरियंस से। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट और लास्ट कॉल आपके डॉक्टर का ही होगा, क्योंकि डॉक्टर को ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, किसी के लिए प्रेगनेंसी बहुत इजी होता है, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। किसी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बेड रेस्ट पे होते हैं लोग। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं किसी के लिए ना के बराबर होते हैं, किसी के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो 4 साल की बेटी है उसके टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली गई थी, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बस फर्स्ट 3 मंथ्स नौसिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी बस, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था सेकेंड टाइम भी ट्विंस के टाइम। लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरी जो ट्विंस वाली प्रेगनेंसी थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, मैं मेंटली फिजिकली बहुत परेशान हुई हूँ। मतलब वो मेरा वर्स्ट फेज होता है लाइफ का, कि मेरा उठना बैठना मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो जरूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, या बहुत इजी हो, टफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मंथ जो होता है, फर्स्ट वीक से फोर्थ वीक, तब तो हमें पता ही नहीं चलता है जब तक हमारे पीरियड्स मिस नहीं होते। फोर्थ वीक के बाद जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं, फिफ्थ वीक में आकर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने भी जब 5 वीक हो गए थे, मेरा लास्ट LMP था 31 अगस्त 2022, तो मैंने 11 अक्टूबर 2022 को टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने गए 5th वीक के बाद, 6th वीक में। तो वहाँ डॉक्टर ने मेरी एज पूछी, तब मेरी एज 33 थी, मेरा वेट भी ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ हम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा आपकी मॉडरेट रिस्क प्रेगनेंसी रहेगी, क्योंकि आपकी एज 30+33 है और आपका वेट ज़्यादा है, इसलिए। मैंने कहा ओके। तब हमें नहीं पता था ट्विन से, हम नॉर्मल, एक हमें लगा सिंगल बच्चा है, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद 5 वीक 6 7 8 एक महीने बाद डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट था। 6th वीक में जो हमारा फर्स्ट विजिट था डॉक्टर से, उन्होंने वहां पे सिर्फ हमें ये बताया था कि आपकी मॉडरेट रिस्क प्रेगनेंसी है और आपको ब्लड टेस्ट कराना है, जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के। और क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था तो उन्होंने कहा कि आप थायराइड टेस्ट कराइए। दोनों ही रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 1 मंथ बाद, यानी कि जब 9th वीक स्टार्ट हुआ था, मुझे डेट याद है 1 नवंबर 2022, तो हम गए थे 9th वीक में अपने डॉक्टर से मिलने। तो उन्होंने कहा अब मैं बच्चे की हार्ट बीट चेक करूंगी, क्योंकि 9 से 12 हफ्तों के बीच में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर के पास ही सोनोग्राफी मशीन थी मेरी, तो उन्होंने ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करी थी, क्योंकि बच्चे को देखने के लिए उस टाइम बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना, इसीलिए। तो उन्होंने चेक की हार्ट बीट, तो शी वॉज लाइक आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है प्रेगनेंसी के लिए। मैंने कहा नो मैम नेचुरल प्रेगनेंसी है। उन्होंने कहा ट्विंस हैं, मैं भी शॉक थी। उन्होंने कहा इनके हस्बैंड को बुलाइए जल्दी से। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा ये ट्विंस प्रेगनेंसी है, DADC, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डाई एमनियोटिक डाई क्रोनियोनिटिक, जो कि प्लेसेंटा अलग होता है, नाल अलग होती है ना, ये अलग अलग सैक में पलते हैं दोनों बच्चे, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकती है, दोनों मेल हो सकती है, डॉक्टर ने वहीं पर बता दिया था। तो 9वें हफ्ते में हमें ये खुशखबरी मिली,
तब ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत से लोग IVF से करवाते हैं तो उन्हें ट्रिपलेट भी होते हैं, कभी कभी चार बच्चे भी होते हैं, तो उन्हें ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप फीटल रिडक्शन करा सकते हैं। अगर आप नहीं अपने आप को सक्षम पाते हैं बच्चे को पालने में तो आप फिर तो उन हमें भी डॉक्टर ने बताया कि ऐसा लोग करवाते हैं, आपके ऑलरेडी एक चाइल्ड है तो अगर आप चाहें तो फीटल रिडक्शन 12 हफ्ते से पहले तक करवा सकते हैं। बट मैंने तभी मना कर दिया था, नो मैम मुझे नहीं करवाना है क्योंकि मैं इसके फेवर में नहीं थी। मंथ बाद फिर हमारी हर मंथ विजिट होती डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने मुझे अब जो कहा था, जैसे ही उन्हें पता था ट्विंस है तो डॉक्टर ने मेरी जो प्रेगनेंसी है उसको बोला कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई रचना, तीन वजह से। एक तो आपका वेट, आप ओवरवेट हो, दूसरा आपकी एज 33 है, तीसरा आप ट्विंस कैरी कर रहे हो, इसलिए जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानी जाएगी। इसीलिए आने वाले 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते कह लो या 15 हफ्ते तक आपको बेड रेस्ट करना है। इसके अलावा मैम ने मुझे प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट दी थी। प्रोजेस्ट्रॉन की टैबलेट जितना मैं समझती हूँ वो इसलिए दिया जाता है कि मिसकैरेज ना हो। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बच्चे को यूट्रस में रखने में मदद करता है, मिसकैरेज ना हो जाए उसका ध्यान रखता है। तो वो कुछ टाइम मैंने ली थी, मैंने पूरी नहीं ली थी पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, मुझे उल्टी जैसा लगता था स्मेल से, और मैं ये सोच रही थी कि 3 महीने बाद ये सब बंद हो जाएगा, वॉमिटिंग आना, स्मेल से प्रॉब्लम होना, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बंद हो गया था 3 महीने बाद, तो ये मैं मान के चल रही थी। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाने गए तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवर हो चुका था, लेकिन मुझे वॉमिटिंग नौसिया की प्रॉब्लम थी, मैं कंटिन्यू वॉमिट करती थी, मेरा वेट भी कम हो गया था 2 किलो क्योंकि मैं खाना नहीं खा पा रही थी। तो वो टाइम आ गया था 13th वीक में हम पहुंच गए थे, तो डॉक्टर ने हमें कहा कि अब आपको एंटी स्कैन कराना है बच्चे का। तो एंटी स्कैन कराया, तो भी जब उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया ऊपर से सोनोग्राफी करने की, तो उन्हें नहीं क्लियर हो रहा था बेबी के मूवमेंट्स या बेबी के जो भी चीज़ें वो चेक करना चाहते थे वो उन्हें क्लियर नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमें ट्रांस वेजाइनल स्कैन ही करना पड़ेगा। तो जो एंटी स्कैन होता है उस टाइम भी उन्होंने मेरा ट्रांस वेजाइनल स्कैन के थ्रू ही बेबी की पोजीशन या जो भी चीज़ें वो देखते हैं वो देखा, तब उन्होंने बताया प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, बेबी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हार्ट बीट आ गई, सब कुछ नॉर्मल था, तो हम बहुत खुश थे। उसके बाद 1 महीने बाद फिर डॉक्टर को दिखाना था, तो 1 मंथ बाद जब हमारा आ गया था 16-17 वीक हो गया था, उस टाइम पे मुझे यहाँ राइट साइड एब्डोमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो मैं डॉक्टर से मिलने गई, जो मेरा रेगुलर रूटीन था 16-17 वीक में, डॉक्टर को मैंने कहा मैम मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा पता नहीं यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है आपको, तो चलिए आप एक काम कीजिए यहाँ की भी सोनोग्राफी करवाइए। तो मैंने अपर एब्डोमेन की सोनोग्राफी की, तो उस टाइम पे मेरा लीवर के ऊपर फैटी लीवर जो कहते हैं ना फैट जमा हो गया, तो उन्होंने कहा आपका फैटी लीवर हो गया है रचना, आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऑलरेडी आपकी रिस्की प्रेगनेंसी है, आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। और तब जब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में थी, कह सकते हैं मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया था, तब मुझे बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, बैक स्पेशली जो अपर बैक है यहाँ की हड्डियों में मुझे बहुत दर्द होता था, लोअर में नहीं होता था, अपर बैक की हड्डियों में होने लगा था। तो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब मैम ने मुझे टैबलेट्स देनी स्टार्ट कर दी थी, आयरन की और कैल्शियम की। कैल्शियम की मैम एक टाइम देती थी, आयरन की एक टाइम देती थी। जो 5th मंथ के अराउंड जब मुझे बैक में बोन्स में बहुत पेन होने लगा, तो मैम ने बोला रचना आपको दूध पीना पड़ेगा, लेकिन वेट का भी ध्यान रखना है तो आप लो फैट दूध लो और कैल्शियम की विटामिन डी की टैबलेट्स 2 टाइम कर दो। तो मुझे मजबूरी में 2 टाइम टैबलेट्स लेनी पड़ती थी क्योंकि मेरा बैक पेन बहुत था, और मेरे हस्बैंड मुझे मतलब पेन किलर वो ऑइंटमेंट जो आती है ना वो लगाते थे दिन में 3 से 4 बार, मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे बोन्स में बहुत पेन होने लगा था, ट्विंस थे इस वजह से। तो अब ये हुआ कि फैटी लीवर आ गई तो मुझे डाइट पे और ध्यान रखना है, तो 10 दिन तक मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट दी थी। स्ट्रिक्ट डाइट का मतलब है कि बहुत हेल्दी दिया था मैं, कुछ भी अनहेल्दी, इवन मैं पराठा भी नहीं खाती थी मैं, अगर मॉर्निंग में मैंने रोटी सब्जी खाई है तो लंच में फिर मैं फ्रूट्स लेती थी, फ्रूट जूस लेती थी, कीवी लेती थी, ऑरेंज लेती थी, ग्रेप्स लेती थी, जो भी सीजनल फ्रूट होता था, चाय भी मैंने बंद कर दी थी, शक्कर भी कम कर दी थी, वैसे भी वॉमिटिंग के कारण मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई थी, तो बहुत हेल्दी डाइट ली। और 10 दिन बाद मैंने सोनोग्राफी कराई थी तो मेरा लीवर ठीक हो गया था और मेरा पेन भी चला गया था।
इसी बीच 18 वीक्स के बाद हमारा होता है टारगेट स्कैन। तो उसके लिए जब मैं स्कैन के लिए गई थी तो स्टार्टिंग में बच्चे मूव नहीं कर रहे थे अच्छी तरीके से, तो डॉक्टर ने मुझे कहा आप पानी पीजिए, वॉक कीजिए, तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये स्कैन होने में मुझे 1 घंटे का टाइम लग गया था। और अगर मैं आपको स्कैन पास से दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें क्लियरली पिक दिख जाती है हमारे बच्चे की। अगर आप इन दोनों पिक को और अभी मेरे बच्चे को देखोगे तो आप जान पाओगे। तो जो मेरी बड़ी वाली बेटी है रीफ, उसका फेशियल एक्सप्रेशन फीचर्स ही ऐसे हैं कि वो थोड़ी सी चेहरे से पतली है एज कम्पेयर टू जो मेरी छोटी बेटी है मीत, उसके गाल यहीं पे भी फूले फूले से लग रहे हैं गप्पू। तो दोनों नॉन आइडेंटिकल है, वैसे ही लगते हैं। तो ये स्कैन देख के मैं समझ गई थी कि दोनों अलग दिखते हैं, दोनों का चेहरा दिख रहा था, बहुत खुशी हुई थी। तो ये स्कैन तो हमें कराना ही चाहिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और हमें देखकर भी अच्छा लगता है। अब क्या होता है ना, अक्सर हम लोग टारगेट स्कैन मिस कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आगे चल के जो बर्थ के टाइम बच्चों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जान सकते हैं कि बच्चे को कौन सी बीमारियां हो रही है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम्स, वो हम नहीं पकड़ पाते। इसलिए प्लीज आप प्रेग्नेंट हैं तो जो भी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर लिखता है वो ज़रूर करवाइए, नहीं तो बाद में हमें और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस स्कैन तक बहुत हद से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह पता चल जाते हैं, इसलिए मैंने कोई भी स्कैन मिस नहीं किया, मैंने सभी स्कैन्स कराए थे क्योंकि ऑलरेडी मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। उसके बाद 5th-6th month तक मेरा नॉर्मल तरीके से गया था। जो मेरे सिम्टम्स थे वो वही के वही थे, खाना न खा पाना, वॉमिट होना, नौसिया होना, स्मेल से प्रॉब्लम होना, बोन्स में दर्द होना, ये चीजें चल रही थी, मैं इनकी यूज टू हो गई थी। जब मेरा 7th month यानी कि 3rd trimester स्टार्ट हुआ तब मैम ने कहा रचना अब आपको कराना पड़ेगा OGTT टेस्ट। OGTT टेस्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज को जानने के लिए। वैसे तो जो मैम ने स्टार्टिंग में ब्लड टेस्ट करवाया था वहां पर ग्लूकोज टेस्टिंग हो चुकी थी, विदाउट फास्टिंग ब्लड टेस्ट होता है, तो वहां डायबिटीज नहीं आया था, लेकिन वो अलग टेस्ट होता है और OGTT टेस्ट अलग होता है। OGTT टेस्ट पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसकी लिंक आपको दी है नीचे, आप जाके देखिए, क्योंकि मैंने घर पे ही टेस्ट के लिए बुलाया था। उसमें क्या होता है, बिना सुबह उठते हैं आप, बिना खाए पिए फर्स्ट टाइम आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसके बाद आपको ग्लास भर के 3 चम्मच 75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है, इतना बड़ा ग्लास होता है, बहुत मीठा होता है, वो आपको पीना होता है और कुछ नहीं खाना होता। उसको पीने के 1 घंटे बाद फिर आपका ब्लड टेस्ट होता है, फिर 1 घंटे, 3 बार आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज आई थी, तो मैम ने थोड़ा सा, मैम को अच्छा नहीं लगा था कि क्यों आई है, तो मैम ने कहा कि रचना आप बिल्कुल भी, आपको शुगर का एक दाना भी आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए, आप बिल्कुल मीठा नहीं खाओगे, और अब आपका 3rd trimester स्टार्ट हो गया है, 28 week हो चुके हैं, तो अब आप धीरे धीरे थोड़ी वॉकिंग स्टार्ट करो और अपनी डाइट पे ध्यान दो, और आपको प्रोटीन, क्योंकि ट्विंस है, ट्विंस थोड़ा, दो बच्चे होते हैं ना, दोनों खाना शेयर करते हैं, तो उनका वेट नॉर्मल बच्चे के कंपेरिजन में कम चलता है, तो मैम ने मुझे फैट फ्री, शुगर फ्री प्रोटीन पाउडर भी लिखा था और बिस्किट्स भी दिए थे, बट फ्रेंड्स मुझे नौसिया और वॉमिटिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो मैं वो प्रोटीन पाउडर नहीं खा पाती थी, तो मुझे उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है। अगर मैंने वो प्रोटीन पाउडर लिया होता 2-3 महीने तो शायद मेरे बच्चों का वेट अच्छा होता जब वो डिलीवर हुए थे, बट ठीक है उस टाइम मेरी हालत नहीं थी, मेरे बोन्स में बहुत दर्द था, मुझे डायबिटीज़ हो गया था, फिर भी मैं वॉक करती थी। वॉक करने की वजह से क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक रात मैं उठ नहीं पाई, मैं यहाँ सोफे पे बैठी थी, मैं उठ नहीं पाई क्योंकि वो जो पेन था बैक, लोअर बैक में चला गया था, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया था जैसे ही मैं 8th month में एंटर किया था। फिर तो मैं खुद भगवान से प्रे करने लगी थी, प्लीज़ भगवान जी मेरी डिलीवरी जल्दी कर दीजिए, पर मुझे पता था कि प्री मैच्योर बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आएगी, पर मैं अपने, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गए थे, उठना बैठना इतना प्रॉब्लम हो गया था, जैसे जैसे बच्चों का वेट ग्रो हो रहा था और मैं वॉक करती थी, बच्चों का, जब दोनों बच्चों का हेड डाउन हो जाता था तो इतना यूट्रस पर, मेरे ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता था, हर 1/2 hour में मैं वॉशरूम जाती थी। सोचिए गर्मी का मौसम आ गया था, मार्च अप्रैल आ गया था, फिर भी मुझे भाग भाग के वॉशरूम जाना पड़ता था, बहुत प्रेशर पड़ता था, मुझे ऐसा लगता था अभी डिलीवरी हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, बट बहुत, मैं मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था।
सबके लिए अलग अलग हो सकता है। उसके बाद मैम ने, जब स्टार्टिंग में मैं मैम से मिली थी अप टू फिफ्थ मंथ, मैम का ये कहना था, रचना तुम्हारे केस में मुझे लगता है कि सी सेक्शन करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ट्विंस के साथ मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। लेकिन जब 7 मंथ के बाद मैम ने मुझे वॉक करने के लिए बोला और मैम ने चेक भी किया था मेरा ओएस एक बार वजाइनली, तो मैम ने ये कहा रचना तुम्हारी पहली डिलीवरी नॉर्मल है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी ट्विंस की भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती। बट मैं पहली डिलीवरी से इतना डरी हुई थी, तो मैंने मैम से कहा मैम हम तो ऑपरेशन पे ही जाएंगे। मैम ने कहा नहीं देखो तुम्हें डायबिटीज है, तुम वॉक करो, तुम्हारी नॉर्मल हो सकती है, और डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैम ने मुझे बोला ग्लूकोमीटर खरीदो, रोज चेक करो, और मेटफॉर्मिन एक टैबलेट आती है डायबिटीज की, मैम ने मुझे स्टार्टिंग में एक टैबलेट लेने को कहा। मैम ने कहा अगर तुमने अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं की तो तुम्हें दिन में 2 लेना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं मॉर्निंग में उठती थी, ग्लूकोमीटर से चेक करती थी ग्लूकोज, उसके बाद खाने के बाद भी मुझे चेक करना होता था। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा रेंज में रहे, डायबिटीज न बढ़े, तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, एक ही टैबलेट मुझे लेनी होती थी, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक और चीज की जो प्रॉब्लम आती है बीपी की, अक्सर हाई बीपी प्रेगनेंसी में हो जाता है, वो भी मैंने नहीं होने दिया। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि मैंने नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही मैम ने बोल दिया था ओबेस जो मोटे लोग होते हैं उन्हें बीपी की प्रॉब्लम आती है, ऑपरेशन करना पड़ता है उनका इमरजेंसी में, ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो बीपी मत बढ़ने देना। कैसे नहीं बढ़ने दोगे आप? आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, आप ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खाओगे, स्पेशली रात में आप पापड़ नहीं खाओगे, आप अचार नहीं खाओगे, और आप पूरी नींद लोगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, और जरा सी भी घबराहट या ऐसा लगता है तो हर विजिट पे या हर 15 दिन में आप बीपी चेक कराओगे। तो मैंने ना पापड़ खाया है, ना ही मैंने अचार खाया है, ना ही मैंने ज्यादा नमक, मैं ऊपर से कभी खाने में नमक नहीं डालती थी। इसके अलावा मैंने पूरी नींद लेने की कोशिश की ताकि मेरा बीपी न बढ़े। तो देखिए, मेरी प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम को मैंने हटाया, मुझे डायबिटीज हुआ उसको मैंने कंट्रोल में किया, मैंने वॉकिंग की मैम के कहे अनुसार, मैम ने जब बेड रेस्ट बोला तो बेड रेस्ट लिया, मुझे लीवर की प्रॉब्लम आई मैंने डाइट से क्लियर किया। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस थे। बैकबोन की प्रॉब्लम को मैं क्लियर नहीं कर सकती थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की मुझे उसमें उठने बैठने में, और जो भी विटामिन डी कैल्शियम मैं ले सकती थी मैंने लिया। लेकिन ट्वेल्थ अप्रैल को मेरा 32 वीक स्टार्ट हो गया था, तब मैम ने मुझे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं बच्चों को लंग्स को ग्रो कराने में, स्पेशली ट्विंस, आजकल तो सभी सिंगल चाइल्ड में भी दिया जाता है ताकि जल्दी ग्रो हो जाए उनके लंग्स। तो वो इंजेक्शन मुझे लगाया गया था, उसके एक हफ्ते बाद ही 19 अप्रैल को मुझे फील हुआ कि लीकेज हो रहा है, ड्रॉप जो पानी की थैली होती है, और मैं डॉक्टर के पास गई। आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, जिन्हें नहीं पता है वो जाके मेरी डिलीवरी स्टोरी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया है मेरी ट्विंस की जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे मैंने आपको वर्ड्स में बताए हैं, पर उस कॉम्प्लिकेशन को मैंने झेला है, बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट ठीक है, जब बच्चे आए, आज मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं होती, वो वक्त भी निकल जाता है, सब कुछ अच्छा होगा, बस अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश, और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पूछा था कि प्लेसेंटा पोजीशन क्या है, क्या उससे पता चल जाता है बच्चे का जेंडर क्या होगा, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने वो बताया था कि कितना सच है आप जेंडर पता कर सकते हैं या नहीं, तो जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। जय माता दी।